हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की से, और और एक विषय है रेनफेड एंडल एंड एग्रीकल्चर एंड वाटर स्टडी मैनेजमेंट ए जी का दस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसमें से चार से पांच क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं यदि आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया तो आपका बीस नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आप लोग रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखेगा और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर दिया गया है मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन बारानी खेती क्या है परिभाषित कीजिए ठीक है बारानी खेती क्या है परिभाषित कीजिए बारानी खेती की आवश्यकता के हों उसको भी परिभाषित करना है चलिए देखते हैं सबसे पहले बारानी खेती क्या होता है यह जो बारानी खेती इसी को रेनफेड रेनफेड फार्मिंग कहते हैं ठीक है इसी को रेनफेड फार्मिंग भी कहा जाता है इसी को शुष्क भूमि खेती भी कहा जाता है ठीक है तो सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की टेक्निक जो होती है उसी को रेनफेड फार्मिंग या बारानी खेती या वर्षाधीन खेती या शुष्क कहा जाता है याद रखिएगा सब ये कई चीज है शुष्क खेती दे देगा बारानी खेती दे देगा वर्षाधीन खेती दे देगा ठीक है या वर्षा आधारित खेती भी दे देगा तो ऐसी खेती जो सिंचाई के बिना ही वर्षा के ऊपर निर्भर होती है ऐसी खेती को हम लोग क्या बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको हंड्रेड परसेंट समझ में आएगा कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो बारानी खेती क्या होती है बारानी खेती वह खेती होती है जिसमें किसी भी सिंचाई का प्रयोग किया किए बिना ही कृषि किया जाता है इसी तकनीक को क्या बोला जाता है रेनफेड फार्मिंग बोला जाता है या बोल सकते हैं कि सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक को रेनफेड फार्मिंग कहते हैं बारानी खेती वर्षाधीन खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है क्या है एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें पौधों को मुख्यतः वर्षा द्वारा पोषित किया जाता है वर्षा द्वारा उगाया जाता है पाला जाता है बिना किसी सिंचाई प्रणाली के उपयोग किए तो ऐसी खेती को ही बारानी खेती कहा जाता है ठीक है बारानी खेती खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें पौधे को मुख्य रूप से वर्षा के जल के वर्षा के जल से क्या किया जाता है पाला जाता है उगाया जाता है ऐसी खेती को क्या क्या आता है रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है याद रखिएगा रेनफेड फार्मिंग यही होता है दूसरा क्वेश्चन है इसी में है, भारत में बारानी कृषि की क्या आवश्यकता है क्या जरूरत हमारे भारत में बारानी खेती करने की वर्षाधीन खेती की क्या हो सकता है तो देखिए हमारा जो भारत देश है यह एक कृषि प्रधान देश है मतलब यहाँ पर कृषि बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और ज्यादातर किसान जो है सीमांत किसान है और सीमांत किसान होने की वजह से ज्यादातर किसान के पास सिंचाई सुविधा की कमी है सिंचाई सुविधाओं की कमी होने की वजह से यहाँ पर हमारे भारत देश में रेनफेड फार्मिंग की आवश्यकता होती है किसकी आवश्यकता होती है रेनफेड फार्मिंग की आवश्यकता होती है तो चलिए देखते हैं भारत में बारानी कृषि हो सकता है तो भारत में बारानी की सकता है निम्न प्रकार से है पहला सिंचाई सुविधाओं की कमी हमारा जो भारत देश है यहाँ पर ज्यादातर किसान सीमांत किसान है जिससे उनके पास सिंचाई सुविधा की उपलब्धता नहीं है तो भारत में सिंचाई सुविधाएं सामान्यतः अपर्याप्त है ठीक है मतलब जितने किसान है उससे कम सिंचाई की सुविधाए मतलब सिंचाई की सुविधा जो है बहुत कम मात्रा में अब ला अब अब तो कुछ बढ़ गया लेकिन पहले बहुत कम था ठीक है तो विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए कम पानी या जल संरक्षण की दिशा में रेनफेड फार्मिंग एक समाधान होता है रेनफेड फार्मिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी फसल को उगा सकते हैं तो पहली हो सकता हमारे देश में यही है भारत देश में रेनफेड फार्मिंग करने की कि यहाँ पर सिंचाई सिंचाई सुविधा की थोड़ी सी कमी है आगे देखते हैं स्थानीय मौसम में बदलाव तो भारतीय मौसम अनियमितता बढ़ रही है ठीक है हमारे जो भारतीय मौसम है इसमें अनियमितता बढ़ रही है देखेंगे अभी इस टाइम से ठंडी इतना ज्यादा पड़ा लेकिन पहले क्या होता था कि मकर संक्रांति बीतने के बाद ठंडी बहुत कम आती थी लेकिन अभी भी ठंडी पड़ रहा है मतलब मौसम क्या हो रहा है अनियमित हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी ठीक है तो यह क्या है स्थानीय मौसम में बदलाव हो रहा है तो चलिए देखते हैं भारतीय मौसम में अनियमितता बढ़ रही मतलब जैसे पहले था वैसा नहीं अनियमित हो गया है अब तो रेनफेड फार्मिंग इस खतरे को कम करने में मदद करता है इस खतरे को कम करने में मदद करता है आगे देखेंगे इसकी आवश्यकता क्यों है तो घटते जल स्तर को बचाने के लिए ठीक है घटता जल स्तर तो भारत में जल संसाधनों की घटती स्तर भी एक चिंता का विषय है हमारा जो भारत देश यहाँ पर जल स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है इस टाइम और इसे देखते हुए रेनफेड फार्मिंग किसानों को सही व्यवस्था के साथ कृषि करने की सीख देता है रेनफेड फार्मिंग आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग बिना पानी के खेती कैसे कर सकते हैं वर्षा के पानी से खेती कैसे कर सकते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि वर्षा से पानी खेती कैसे कर सकते हैं तो इसलिए हमें रेनफेड फार्मिंग से मदद मिल सकती है आगे कम खर्च रेनफेड फार्मिंग करने में कम खर्च लगता है क्योंकि जो हम लोग सिंचाई सुविधा कोई व्यवस्था करेंगे तो इसलिए क्या करना पड़ेगा बोरिंग करवाना पड़ेगा बोरिंग करवाने के बाद वहां पर मोटर लाना पड़ेगा मोटर लाने के बाद पाइप मोटर सब कुछ लगाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है लेकिन यदि यह सब नहीं लगाएंगे तो बारिश के पानी से अधिक खेती करेंगे तो यह सब खर्च जो है बहुत कम लगेगा ठीक है तो सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है इसके विपरीत रेनफेड फार्मिंग कम खर्च में सिंचाई की आवश्यकता को पूरा कर देता है तो यही आप लोगों का एक क्वेश्चन था बारानी खेती क्या है भारत में बारानी खेती क्या हो सकता है उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो को लाइक जरूर भैया चलिए अगला क्वेश्चन है एकीकृत जल समेट प्रबंधन के बारे में बताइए एकीकृत जल समेट प्रबंधन ठीक है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है ठीक है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट आई डब्लू पी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट आई डब्ल्यू एम और देखिए एक होता है आई डब्ल्यू एम पी इंडिकेटेड वाटर सा उसको भी बताएंगे पूछता है कभी कभी तो एक, एक जल समेट प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे तो एक ही ऐसी सतह जहाँ से वर्षा का पानी संग्रहित तथा एक समान बिंदु पर बहाया जाता हो इसे इस संग्रह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया या जल निकास बेसिन कहते हैं ठीक है ऐसा सतह जैसे भूमि है तो भूमि का ऐसा सतह होना चाहिए जहां से वर्षा का जो पानी उसको संग्रहित किया जा सके जैसे तालाब हो गया पोखरा हो गया इस प्रकार से ठीक है तो ऐसा सतह जहाँ से वर्षा का पानी संग्रहित था एक समान बिंदु पर बहाया जाता है मतलब वहां से हम एक समान बिंदु पर बहाएंगे इससे संग्रह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहा जाता है ठीक है जब बारिश होता है देखिये मैं थोड़ा सा आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग पड़े होंगे अभी पीछे में बताऊंगा अभी तो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि वर्षा का जो पानी होता है उसको किसी निचले स्थान पर संग्रहित किया जाता है तो वही चीज यहाँ पर भी समझिएगा जब देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए ऐसी सतह जहाँ से वर्षा का पानी संग्रहित किया जाता है जो वर्षा का पानी संग्रहित किया जाएगा तो उसी स्थान को कैचमेंट एरिया बोल देंगे या जल निकास बेसिन भी कहेंगे ठीक है आगे देखते हैं एकीकृत तो वाटर मैनेजमेंट सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों स्थानीय समुदाय के हितों और विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वाटर शेड के आधार पर मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंध की एक प्रक्रिया है याद रखिएगा समझिएगा फिर से पहले क्या बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है एकीकृत तो वाटर सेड मैनेजमेंट सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों स्थानीय समुदाय के हितों और विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वाटर सेड के आधार पर याद रखिएगा किसके आधार पर वाटर शेड के आधार पर मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन की एक प्रक्रिया है ठीक है जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सन हजार नौ दस के दौरान एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी याद रखिएगा पूछता है कि एकीकृत तो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई और किसके द्वारा तो की गई तो एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सन दो हजार नौ दस के दौरान शुरू की गई थी ठीक है इस दृष्टिकोण को अपनाकर कर यह जो इंडिकेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है इस दृष्टिकोण को अपना कर हम समर्थन कर सकते हैं पानी गुणवत्ता और मात्रा को समर्थन कर सकते हैं बाढ़ एवं कटाव प्रबंधन को हम लोग समर्थन कर सकते हैं अस्थाई आर्थिक मनोरंजन के अवसर जीवन और समुदाय की गुणवत्ता में सुधार को ठीक है तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का क्या था एकीकृत जल समेट प्रबंधन के बारे में बताइए की मैंने बताया कि ऐसा सतह जहाँ से वर्षा का पानी संग्रहित तथा एक समान बिंदु पर बहाया जाता हो इसे इसेमेंट एरिया या संग्रह क्षेत्र बोलते हैं या जल निकास बेसिन बोलते हैं एकीकृत वाटर सेड मैनेजमेंट गें 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 सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों स्थानीय समुदाय के हितों और विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वाटर सेट के आधार पर मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है जिसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सन दो हजार नौ दस के दौरान एकीकृत जल संक्रमण प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की जिसे इंडिकेटेड वाटर श्रेड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी बोला जाता है इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम ऐसी योजना विकसित कर सकते हैं जो निम्नलिखित चीजों का समर्थन करती है जैसे पानी गुणवत्ता और मात्रा को समर्थन करती है बाढ़ एवं कटाव प्रबंधन को समर्थन करती है अस्थायी आर्थिक मनोरंजन के अवसर जीवन और समुदाय की गुणवत्ता में सुधार को क्या करती है समर्थन करती है चलिए चलते है अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भारत के शुष्क क्षेत्रीय कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण कीजिए हमारा जो भारत देश है यहाँ पर शुष्क क्षेत्रीय कृषि जो क्षेत्र है जो शुष्क रूप से खेती करते हैं उसका वर्गीकरण करना तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राई फार्मिंग एरिया ऑफ इंडिया ठीक है प्रश्न क्या था याद रखिएगा भारत के जो शुष्क क्षेत्रीय कृषि क्षेत्र हैं उनका वर्गीकरण करना है तो भारत के शुष्क क्षेत्रीय कृषि क्षेत्र को तीन मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया जिसमें पहला है भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्र दूसरा है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और कर्नाटक में ग्रेनाइट पठार वाले क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण भारत दक्षिण भारत में ट्रेपियन पठार वाले क्षेत्र तो चलिए तो देखते सबसे पहले पहला देखेंगे हम लोग पहला है भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्र तो इन क्षेत्रों में खेती वर्षा के ऊपर निर्भर होती है जो भारत का मैदानी शुष्क क्षेत्र होता है इन क्षेत्रों में जो खेती होती है हो वह वर्षा के ऊपर निर्भर होती है जिसे राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिले व मध्य भारत के उत्तर पश्चिम जिले आते हैं याद रखिएगा भारत के जो विभिन्न शुष्क क्षेत्र हैं शुष्क कृषि क्षेत्र उनको तीन भागों में बांटा गया जिसमें पहला है भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्र तो इन क्षेत्र में जो खेती होती है वो वर्षा के ऊपर निर्भर होती है जिसमें राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिले व मध्य भारत के उत्तर पश्चिम जिले आते हैं दूसरा है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु व कर्नाटक में ग्रेनाइट पठार वाले क्षेत्र हमारे है, है? तो हमारे देश में इन सभी क्षेत्रों के अंदर एक बट्टा पाँच जिला शुष्क क्षेत्रों में गिना जाता है ठीक है यह जो देखिए तीन जिला मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु व कर्नाटक में ग्रेनाइट पठार वाले क्षेत्र तो हमारे देश में इन सभी क्षेत्रों के अंदर एक बट्टा पाँच जिला जो होता है शुष्क क्षेत्रों में गिना जाता है मतलब वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है अगला है दक्षिण भारत में ट्रेपियन पठार वाला क्षेत्र तो इसमें महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक आंध्र प्रदेश के शुष्क क्षेत्र शामिल होते हैं ठीक है इन सभी क्षेत्रों में क्या की जाती है इन सभी क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है तो इन सभी क्षेत्रों में खेती वर्षा पर आधारित होती है और नमी संरक्षण जल संचयन आदि प्रक्रिया करके बुआई की जाती है ठीक है तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तीसरा क्वेश्चन क्या था सुन लीजिएगा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन पूछता है भारत के जो शुष्क क्षेत्रीय शुष्क क्षेत्रीय कृषि क्षेत्र हैं उनका वर्गीकरण करना है मतलब कहां पर शुष्क खेती अपनाई जाती उसका है उसका वर्गीकरण करना ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आएगा चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन है शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं वर्षा के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए ठीक है शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर किसे कहते हैं वर्षा के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्षेत्र विशेष पर प्राप्त देखिए क्या पूछा है जो हमारी वर्षा वर्षाधीन खेती होती है वर्षा आधारित खेती होती है जो वर्षा के ऊपर आधारित खेती होती है उसको वर्षा के आधार पर वर्गीकरण करना है वर्षा के आधार पर क्या करना है वर्गीकृत करना है तो वर्षा के आधार पर इसको तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है शुष्क खेती तो शुष्क भूमि खेती वर्षाधीन खेती चलिए देखते हैं तीनों के बारे में जानकारी लेंगे तो क्षेत्र विशेष पर प्राप्त वर्षा सिंचाई आदि के आधार पर आदि के आधार पर पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित खेती को शुष्क भूमि कृषि अथवा कृषि कहते हैं ठीक है देखिए फिर समझिएगा क्या बोला जा रहा है क्षेत्र विशेष पर कोई क्षेत्र विशेष पर प्राप्त वर्षा कितनी वर्षा हो उसके आधार पर पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित खेती को शुष्क भूमि कृषि अथवा सूखी भूमि कृषि कहते हैं वर्षा के आधार पर इन्हें तीन भागों में किया की कि जिसमें पहला शुष्क खेती तो ऐसा क्षेत्र या वह खेती जो ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 सौ से कम होता है कितना औसत वार्षिक वर्षा जो होगा 750 सौ एमएम से कम होगा ऐसे क्षेत्रों में खेती करना शुष्क खेती कहलाता है ठीक है ऐसे क्षेत्र में यदि खेती करेंगे तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे खेती बोलेंगे और यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पर फसल की असफल होने की संभावना अधिक होती है मतलब फसल जो होता है पानी की कमी से असफल होता है नष्ट हो जाता है तो यहाँ पर फसल के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है इन क्षेत्रों में नमी संरक्षण के तरीकों को अपना खेती की जाती है ठीक है तो यही होता है शुष्क खेती शुष्क खेती याद रखेगा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा सात सौ पचास एम एम से कम होती है ऐसे स्थानों पर खेती करना शुष्क खेती कहलाता है ऐसे स्थानों पर फसल के असफल होने की संभावना अधिक होती है और ऐसे क्षेत्रों में नमी संक्षण की तकनीकों को अपनाकर खेती की जाती है दूसरा है शुष्क भूमि कृषि ठीक है ड्राई लैंड फार्मिंग शुष्क भूमि कृषि तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा सात सौ पचास से ग्यारह सौ पचास एम एम तक होता है मतलब मिलीमीटर ठीक है तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा सात सौ पचास से ग्यारह सौ पचास एम तक होता है वहां पर शुष्क कृषि अपनाया जाता है और ऐन क्षेत्र यह जो क्षेत्र होता है शुष्क भूमि कृषि वाला इन क्षेत्रों में फसल के असफल होने की जो संभावना होती है फसल के नष्ट होने की जो संभावना होती है वह शुष्क खेती से कम होती है यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पर नमी संरक्षण के तरीकों को भी अपनाया जाता है और जल निकास के जल निकास की भी व्यवस्था भी किया जाता है ठीक है तो यह होता है शुष्क भूमि कृषि शुष्क शुष्क कृषि क्या होता है शुष्क कृषि में औसत वार्षिक सात सौ पचास एमएम होता है यहाँ पर फसल के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है और शुष्क भूमि कृषि में सात सौ पचास से लेकर ग्यारह सौ पचास एम एम तक होता है यहाँ पर फसल के असफल होने की संभावना शुष्क कृषि से कम होती है और नमी सड़कों के तरीकों को बनाकर कृषि की जाती है अगला वर्षा दिन खेती या रेनफेड फार्मिंग तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा ग्यारह सौ एमएम से अधिक होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा ग्यारह सौ से अधिक होता है वहां पर फसलों की खेती करना रेनफेड फार्मिंग कहलाता है वहां पर फसलों की खेती करना क्या कहलाता कर है रेनफेड फार्मिंग कहलाता है इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट नहीं होता है लेकिन जल निकास को अपनाया जाता है तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चौथा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए चलते अगले क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया समझ लीजिएगा आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा कोई दिक्कत तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं चाहे जैसे पूछ सकते हैं ठीक है कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो अगला क्वेश्चन है नमी आघात क्या है ठीक है नमी आघात मॉइस्चर डिफिक्ट क्या है उसको हम लोग को लिखना है नमी आघात ठीक है मॉइस्चर स्ट्रेस भी कभी कभी दे, दे सकता है और मास्टर डिफिक्ट कंडीशन देता है तो वहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो नमी आघात क्या है तो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे नमी आघात क्या है उसके बाद आप लोग बताता है ठीक है तो शुष्क खेती में नमी सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जो हम लोग शुष्क खेती करते हैं ड्राई फार्मिंग करते हैं वहाँ पर नमी जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है इसकी कमी से उपज में कमी हो जाती है या अधिक नमी की कमी हो जाएगी तो उससे उपज में भी कमी हो जाएगी जीव विज्ञान में किसी बा कारक का जंतु पर पड़ने वाला कुप्रभाव आघात अथवा दबाव कहलाता है ठीक है जीव विज्ञान में किसी बाह्य कारक का बाहरी कारक का जंतु पर पड़ने वाला जो कुप्रभाव होता है उसी को आघात या स्ट्रेस अथवा दबाव बोला है वो उसी को मॉस्टर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं हम लोग ठीक है तो जल या नमी के आघात से तात्पर्य है कि जल की कमी या अधिकता का फसल पर कुप्रभाव देखिए मैंने अभी बताया कि जीव विज्ञान में किसी बाय कारक का किसी पर पड़ने वाला जो कुप्रभाव होता है उसी को आघात या या दबाव बोला जाता है तो ऐसा ही हम लोग को पौधे पर होता है तो जल या नमी के आघात से तात्पर्य है कि जल की कमी अधिकता का फसल पर कुप्रभाव इसका अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है ठीक है जल या नमी के आघात से तात्पर्य है जल की कमी अधिकता का फसल पर कुप्रभाव ठीक है जल या नमी के आघात से क्या तात्पर्य है जल या नमी के आघात से तात्पर्य यही है कि जल की कमी अधिकता का फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है जब जल कम हो जा रही है उसका क्या कुप्रभाव पड़ रहा है अधिक हो जा रही है क्या कुप्रभाव पड़ रहा है वही कहलाता है क्या वही कहलाता है आघात ठीक है इसका अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है इसका जो अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है परंतु जल आघात को समानता जल की कमी के कुप्रभाव से जोड़ा जाता है परंतु जल के जो आघात होते हैं वह समानता जल की कमी के कुप्रभाव से जोड़ा जाता है ठीक है तो मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है समझ में आया आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया कि जल या नमी के आघात से तात्पर्य है कि जल की कमी या अधिकता का फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है ठीक है इसको मान लीजिए 100 एम जल चाहिए तो 100 एम जल की जगह यदि एक इसको 120 या 115 सौ जल मिल गया तो इसके ऊपर क्या उसका कुप्रभाव पड़ेगा इसके इसका क्या इसके ऊपर कुप्रभाव प्रभाव पड़ेगा कुप्रभाव प्रभाव मतलब होता है बुरा प्रभाव ठीक है और मान लीजिए इसको चाहिए सौ एम और इसको अस्सी एम पानी मिला तो इसका क्यों क्या, क्या कुप्रभाव पड़ेगा इसी को बोला जाता है नमी आघात ठीक है जल या नमी के आघात से तात्पर्य है कि जल की कमी या अधिकता का फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ता है इसका अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ जल की कमी से ही आघात होता है जल की अधिकता से भी आघात होता है परंतु जल आघात को समानता जल की कमी के कुप्रभाव से जोड़ा जाता है ठीक है आगे देखते हैं इसकी परिभाषा हम लोग को यदि पूछी जाए एक नंबर में है तो क्या लिखेंगे तो नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों की दायकी कार्य की अथवा उत्पादन पर पड़ने वाले कुप्रभाव को नमी आघात अथवा प्रतिबल कहा जाता है नमी आघात अथवा प्रतिबल कहा जाता है ठीक है नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों की दायकी कार्य की अथवा उत्पादन पर पड़ने वाले जो कुप्रभाव होते हैं उसी को नमी आघात कहा जाता है आगे देखते हैं जल की कमी से नमी आघात का विकास जल की कमी से नमी आघात का विकास कैसे होता है ठीक है तो जब पौधा याद रखिएगा जब पौधे द्वारा जल ग्रहण की तुलना में उससे वाष्पीकरण अधिक हो जाता है जब पौधे द्वारा जल ग्रहण की तुलना में उससे वाष्पीकरण अधिक हो जाता है तब उस पर नमी का आघात हो जाता है जैसे हमारे लीजिए कोई पौधा है उसको स्वयं मेल पानी को क्या करना है लेना है और उसमें से 80 एम पानी को भी वाष्पीकृत करना है लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ से पचास ही एम पानी लेगा और अस्सी एम एल पानी को वाष्पीकृत करेगा तो इससे क्या होगा पौधे में जल आघात हो जाएगा क्योंकि कुछ पानी पहले से वो लोग स्टोर करके रखे हुए होते हैं ठीक है तो जब पौधे द्वारा जल ग्रहण की तुलना में उससे वाष्पीकरण अधिक होता है तब उस पर नमी का आघात हो जाता है ऐसा भूमि से पानी का अधिक या पौधे के द्वारा कम जल ग्रहण होने के कारण होता है ठीक है उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी पांचवा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए चलते अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया अनुकूलन क्या है अडिप्सन अडिप्सन आप लोग जानते होंगे क्या है नमी की कमी में फसल को कैसे उगा सकते हैं ठीक है अडिप्सन सुने होंगे आप लोग नाम अडिप्शन को अनुकूलन बोला जाता है ठीक है क्या बोला जाता है अनुकूलन तो देखिए यहाँ पे फोटो शायद अच्छा नहीं आया है और यह पेन भी थोड़ा सा गड़बड़ था तो मैं बता देता हूँ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ठीक है अनुकूलन क्या होता है तो फसलों में संरचनात्मक अथवा दैहिक परिवर्तन के द्वारा था एक विशेष परिवेश अथवा वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को अडेप्शन कहा जाता है ठीक है फसलों में संरचनात्मक अथवा दैहिक परिवर्तन के द्वारा एक विशेष परिवेश अथवा वातावरण में जीवित रहने की जो रहने और प्रजनन करने की क्षमता जो होती है उसी को अडप्शन बोला जाता है ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा है कि फसल जो होता कोई फसल है उस फसल में संरचनात्मक अथवा उसके दैहिक परिवर्तन के द्वारा संरचनात्मक अथवा दैहिक परिवर्तन के द्वारा एक विशेष परिवेश में या वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को ही अडप्शन कहते हैं ठीक है आगे चलिए देखते हैं नमी आघात अथवा पानी की कमी की दशा में पड़ने वाले कुप्रभाव को, को सूखा आघात भी कहते हैं ठीक है थीक? नमी आघात अथवा पानी की कमी की दशा में पड़ने वाले कुप्रभाव को, को सूखा आघात कहा जाता है ड्रॉट ड्रॉट स्ट्रेस बोला जाता है क्या बोला बोल जाता है ड्रॉट स्ट्रेस बोला जाता है याद रखिएगा नमी की नमी आघात अथवा तो पानी की कमी की दशा में पड़ने वाले कुप्रभाव को सूखा आघात बोला जाता है ये तो मैंने अभी आप लोगों को पीछे भी बताया यहाँ पर भी इसको आप लोग यूज कर सकते हैं तो फसलों को नमी आघात में, में दो परिवर्तन लाकर जीवित बने रहने का प्रयास किया जा सकता है जो फसल होते हैं यदि नमी की कमी हो जा रही है तो वहां पर हम लोग दो परिवर्तन लाकर उनको जीवित बना सकते हैं या जीवित रख सकते हैं तो कौन कौन सा दो, प, दो प्रयास या दो परिवर्तन है तो पहला सूखे से बचाव करके दूसरा सूखे के प्रति अवरोध उत्पन्न करके ठीक है तो सूखे से बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं तो देखिएगा <coughs> तो फसलों में सूखा आने से पहले तैयार होने वाली वैरायटी के यदि हम लोग बुआई करेंगे तो उससे क्या आगा उससे हम लोग सूखे से बच सकते हैं या यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी को बोना ठीक है दूसरा है पर्ण रंधरो को दिन में बंद रखकर कैम प्लांट का यदि हम लोग यूज करेंगे कैम प्लांट का यूज करेंगे तो वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं सूखे सूखे से बच सकते हैं ठीक है तीसरा है पत्तियों को कांटे के रूप में रूपांतरित करके देखिए आप लोग को पता होगा जो काटे वाले पौधे होते हैं जैसे नागफनी हो गया ठीक है इस प्रकार के जो भी पौधे होते हैं इनके अंदर जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह कई दिनों तक सूखे वाले क्षेत्र में रह सकते हैं तो यदि कोई पौधा है उसमें यदि हम लोग कांटे वाली फसल का यूज करेंगे पत्तियों पर कांटे को रूपांतरित पत्तियों को कांटे के रूप में रूपांतरित करेंगे तो इससे क्या होगा इससे वह अधिक समय तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है ठीक है तो पत्तियों को कांटे के रूप में रूपांतरित करके भी हम लोग सूखे से बच सकते हैं तीसरा है पत्तियों पर क्यूटीन जमा कर जो पत्ती होती है पत्ती पर यदि हम लोग क्यूटीन जमाएंगे तो वहां से भी हम लोग क्या बच सकते हैं किससे सूखे से, से, से बच सकते हैं ठीक है अगला पत्तियों पर पर रोग रोग विकसित 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 करके करके सॉरी मैं बोल रहा पत्ती जो होती है उस यदि हम लोग को कर देंगे उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं सूखे से बच सकते हैं ठीक है सूखे से अपने पौधों को अपने फसलों को बचा सकते हैं अगला सांद्रता बढ़ाकर तो पौधों की जो सांद्रता होती है उसको बढ़ाकर हम लोग क्या कर सकते हैं सूखे से अपने पौधों की बचाव कर सकते हैं तो यद होता सूखे से बचाव कैसे करेंगे मैंने क्या क्या बताया कि फसलों की अवधि को कम करके

ड्राट टॉलरेंस हो और ड्राट से बचने वाला भी हो ठीक है प्रोटो प्रोटो में जल धारण को बढ़ाकर हम लोग यदि प्रोटोप्लाज्मे में जल धारण क्षमता को बढ़ा देंगे तो उससे भी हम लोग सूखे के अवरोध से बच सकते हैं अपने पौधों को बचा सकते हैं तो प्रोटीन आदि सूखा रोधी अमीनो अम्ल की सांद्रता को बढ़ाकर पौधों के अंदर यदि प्रोटीन आदि सूक्ष्म आदि सूखा रोधी अमीनो अम्ल की सांद्रता को बढ़ा देंगे उससे भी हम लोग सूखा के अवरोध से बच सकते हैं सॉरी सूखे के प्रति अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं अगला है वृद्धि नियामक हार्मोन ब्रिटेन आदि की सांद्रता बढ़ाकर ठीक है तो वृद्धि नियामक हार्मोन जो होता है जैसे ब्रिटेन हो गया तो इस प्रकार के हार्मोन की सांद्रता को बढ़ाकर भी हम लोग के अंदर स्ट्रेस सॉरी उत्पन्न कर सकते हैं रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकते हैं ठीक है उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है उत्सेदक और रोधक पदार्थ क्या है ठीक है उत्सवेदन और रोधक पदार्थ या एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी बोला जाता है इसको तो पूछता है एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है तो इसमें एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज कहाँ पर किया था मैं आप लोग बता देखिए जो हमारा पौधा होता है वह जैसे मान लीजिए दस लीटर पानी ग्रहण किया तो इसका नौ लीटर पानी जो होता है पौधे जो ग्रहण करता है उसका नौ लीटर पानी नौ लीटर से ज्यादा पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है ठीक है तो ये जो वाष्प के रूप में उड़ रहा है इसी पानी को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे किसी एक प्लास्टिक फिल्म या स्टोमेटा बंद करने वाले किसी प्रकार के अवरोधक का प्रयोग करेंगे तो उसी को एंटी ट्रांसपेरेंट

जो एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं इसको रोकते हैं तो यह चार प्रकार के होते हैं जिसमें पहला होता है स्टोमेटा बंद करने वाला दूसरा होता है फिल्म बनाने वाला तीसरा परावर्तन करने वाला चौथा वृद्धि कम करने वाला तो मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूं मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मैं बता देता हूं आप लोग समझ में आ जाएगा ठीक है पहले मैं आप लोगों को बताया कि एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है एंटी ट्रांसपेरेंट एक प्रकार का मटेरियल होता है जो पौधे के वास्तुसर्जन को कम करता है ठीक है जो चार प्रकार का होता है पला स्टोमेटा बंद करने वाला तो स्टोमेटा बंद करने वाला क्या होता है इसको समझिएगा तो अधिक वास्तुत्सर्जन पत्तियों की सतह पर विद्यमान स्टोमेटा के द्वारा होता है ठीक है अधिक जो वास्तुसर्जन जो ज्यादा से वास्तुसर्जन होता है वह पत्तियों की सतह पर विद्यमान जो स्टोमेटा होता है उससे होता है तो कुछ पदार्थ जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट ठीक है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और कुछ खरपतवार नाशी जैसे एट्राजीन कम सांद्रता पर वास्तवन को रोकता है ठीक है यह जो होते मैंने आप लोगों को दो आप लोगों को रसायन बताए यह कम सांद्रता पर को रोकता है क्योंकि यह जो होता है देता है और स्टोमेटा के बंद हो जाने पर प्रकाश संश्लेषण भी रुक जाता है परंतु पी एम ए वास्तु उत्सर्जन को प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक कम करता है ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग पहला यूज कर सकते हैं कौन सा स्टोमेटा बंद करने वाले उत्सेदन और रोदक को दूसरा है फिल्म बनाने वाले उत्सेदन और रोदक यूज ठीक है तो प्लास्टिक और मोम के समान पदार्थ पर पत्ती पर एक पतली फिल्म बनाकर पानी की हानि को रोक सकते हैं ठीक तो है प्लास्टिक और मोम के समान पदार्थ पत्ती पर एक पतली फिल्म बनाकर भी पानी की हानि को रोक सकते हैं मोबिलिफ याद रखेगा मोबिलिक्साडिकोनाल सिलोकॉन आदि फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण को भी रोकते हैं इसलिए इनका प्रयोग बहुत कम होता है ठीक है इनका प्रयोग बहुत कम होता है फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट के कुछ गुड़ होते हैं तो पहला मैंने आप लोगों को था स्टोमेटा बंद करने वाले तो यहाँ पर हम लोग देखिए मैंने आप लोग को बताया था क्या क्या मैंने आप लोग बताया कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट पी एम ए जिसे बोला था और दूसरा खरपतवार जैसे एट्राजीन इनको यदि हम लोग कम कंस, कम पर यूज करेंगे तो यह क्या करेगा इसका जो स्टोमेटा इस होता पौधे का उसको बंद कर देगा फसल का, का को बंद कर देगा जिससे नहीं होगा लेकिन आ, भी वाला तो कुछ प्रकार, कुछ ऐसे है जो पौधे के ऊपर क्या करते हैं एक पतली परत बना देते हैं किसी फिल्म का ठीक है तो मोबिलिप एक्सा डी सिलिकॉन आदि जो होती है फिल्म बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं ये क्या करते हैं पौधे के पत्ते के ऊपर एक फिल्म बना देते हैं जिससे वास्तवर्जन के साथ साथ प्रकाशन से सभी जाता है इसलिए इसका व्यूज कम किया जाता है और तीसरा होता है परावर्तन करने वाले उत्सेदन रोधक परावर्तन करने वाले और तो यह सफेद पदार्थ होते हैं ठीक है यह क्या होते सफेद पदार्थ होते हैं और इनके लिए से पत्तियों में परावर्तन बढ़ जाता है परावर्तन से तापक्रम भी कम हो जाता है तथा पत्तियों के वास्पी दबाव को कम करके वातावरण में जल नहीं जाने देता है ठीक है पांच प्रतिशत के ओलीन ठीक है पांच प्रतिशत के ओलीन के ओलिन एक रसायन है ठीक है पांच प्रतिशत के छिड़काव के से जो तक काफी कम हो जाता है सिलाइट एवं मिट्टी है जिससे परावर्तन काफी बढ़ जाता है जिसके कारण पादप सतह से वास्तप की मात्रा कम होती है और इसका यूज भी अधिक मात्रा में किया जाता है इन दोनों के अपेक्षा ठीक है तो देखिए जहां पर रेनफेड फार्मिंग किया जाता है वहां पर सभी का यूज किया जाता है अगला है वृद्धि कम करने वाले वृद्धि कम करने वाले तो कुछ रसायन पौधे की भूमि के ऊपर के भाग की वृद्धि को रोकते हैं किंतु जड़ की वृद्धि को बढ़ा देते हैं इससे पौधे में सूखा सहने की क्षमता बढ़ जाती है साइकोसोल इस प्रकार एक रसायन है जो पौधे में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है तो इस प्रकार से इन सभी का यूज किया जाता है यही सब एंटी ट्रांसपेरेंट है एंटी ट्रांसपेरेंट पूछेगा तो आप लोग क्या लिखेंगे तो लिखेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट एक प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे पौधे को वास्तुस को रोकते हैं जिससे हमारे पौधे का वास्तुजन कुछ हद तक कम हो जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे जल संचयन के बारे में विस्तार से लिखे जल संचयन क्या उसके बारे में विस्तार से लिखना चलिए देख लेते हैं तो समझिएगा आप लोग मैं थोड़ा समझा देता हूँ देखिए जब वर्षा ऋतु जब वर्षा होती है वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है इसी जल को क्या करना किसी निचले स्थान पर कुएं तालाब या नदी आदि में क्या करना स्टोर करना ठीक है इसको क्या करना स्टोर कर लेना और स्टोर करने के बाद बाद में इसे हम लोग कृषि में प्रयोग लेंगे तो इसी प्रोसेस को वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है जल बोला जाता है या जल की कटाई बोला जाता है ठीक है तो वर्षा ऋतु में जब वर्षा अधिक होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है उसी को एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निष्पंदन वाष्पीकरण मतलब वाष्प से उड़ने से और निष्पंदन मतलब भूमि को सोखने से बचाकर फसल उत्पादन के रूप में प्रयोग लेने की प्रक्रिया को वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है ठीक है वर्षा ऋतु में जब वर्षा अधिक होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा तो एकत्रित जल को वाष्पीकरण निष्पंदन के आने से बचाकर फसल उत्पादन के उपयोग में लेना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है इस प्रकार से एकत्रित पानी का उपयोग शुष्क मौसम में तब किया जाता है जब फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है ठीक है इस प्रकार से एकत्रित पानी का उपयोग शुष्क मौसम में तब किया जाता है जब फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा तो पानी की कमी होती है इस विधि में प्राकृतिक जल निचले क्षेत्रों तथा तालाबों में एकत्रित किया जाता है यह जो विधि होती है वाटर की इस विधि में प्राकृतिक जल जो होता है उसको निचले क्षेत्रों तथा तालाबों में एकत्रित किया जाता है आवश्यकता के अनुसार ऐसे तालाबों का क्षेत्रफल एवं गहराई बढ़ाया भी जा सकता है आगे देखते हैं तालाबों आदि में एकत्रित जल को वाष्पीकरण से होने वाली जल की हानि को क्षेत्रों में उपलब्ध पानी पर तैरने वाले पदार्थों का उपयोग करके करना चाहिए जैसे मान लिया वास्तुसर्जन हो रहा है हमारे जल पे तो हम केला का पौधा यदि उसको काट के उस पर फेंकेंगे तो यह क्या होता है पानी पे तैरता है इस प्रकार से यदि हम लोग उसमें फेंक देंगे बहुत सारा तो वास्तुसर्जन कम होगा ठीक है ताकि जल एवं वायुमंडल का संपर्क टूट जाए और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो कम हो जाए अगला है तालाब की निचली सतह से रिसाव द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए अगर संभव हो तो निचली सतह से जल की रिसाव की हानि को कम करने के लिए एक आठ से दस सेंटीमीटर मोटी परत भूसी की लगाकर ऊपर से आठ से दस सेंटीमीटर मोटी परत चिकनी मिट्टी का लगा देना चाहिए जिससे पानी होता है उसका रिसाव कम होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आकस्मिक फसल योजना जो या आकस्मिक फसल लेना क्या होता है या कॉन्टीजेंसी क्रॉप बोला जाता है या कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग बोला जाता है इसको या कॉन्टीजेंसी क्रॉप प्लानिंग भी बोलते हैं कभी कभी एग्जाम में इसको ठीक है तो सामान्य रूप से तथा अधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीतता की दशा में कोई उचित फसल लेने की आकस्मिक की प्रक्रिया को ही आकस्मिक फसल योजना कहते हैं ठीक है सामान्य रूप से तथा अधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीतता की दशा में कोई उचित फसल लेने की आकस्मिक फसल योजना को ही आकस्मिक फसल योजना कहते हैं यह कब होता है तो सूखे के समय मानसून देरी के कारण ऐसा करना पड़ता है देखिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया सूखे के समय मानसून देरी के कारण ऐसा करना पड़ता है वर्षा की तिथियों के अनुसार फसल का चुनौती होता है जैसे हम लोग पहले से सोच रहे थे कि वर्षा जो इतने तारीख को हो होगी अब इस प्रकार से हमें यह वाली फसल की बुआई करनी है ठीक है तो आकस्मिक कृषि में ऐसा माना जाता है कि भविष्य में वर्षा ठीक होगी और उससे उससे किसान जो था अच्छी फसल ले सकेगा ठीक है इसमें जोखिम उठाना पड़ता है ठीक है यह जो आकस्मिक फसल योजना होता है इसमें जोखिम भी उठाना पड़ता है आकस्मिक फसल निध की निम्न बातों को ध्यान में दिया जाता है जिसमें जलवायु की जलवायु की जो दशा होती है उसको ध्यान में रखा जाता है और उचित फसल को ध्यान में रखा जाता है ठीक है तो ये इसकी प्लानिंग है तो प्लानिंग अब देखिए मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन आप लोग आकस्मिक फसल योजना पढ़ लीजिएगा यदि टाइम बचेगा तो क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो रहा है और एक क्वेश्चन और उसको मैं थोड़ा तो सा बता देता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत जो हमारा भारत देश है यहाँ पर वर्षा दिन खेती की समस्या और समाधान लिखिए जो हमारा भारत देश है प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेक्ट फार्मिंग इन इंडिया इस प्रकार से क्वेश्चन है तो भारत में वर्षा दिन खेती की समस्या और समाधान तो शुष्क खेती क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए समस्या या बाधाएं शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिकांश फसल वर्षा पर आधारित परिस्थितियों में होती है ठीक है अधिकांश किसान अल्प संसाधन वाले छोटे किसान होते हैं खराब संसाधन के समा आधार पर कम और असल पैदावार के साथ केवल कम निर्वाह खेती की अनुमति देता है मतलब इतना ही उत्पादन कर पाते किसान जिससे वह अपना भरण पोषण कर सके तो इसकी समस्या क्या और समाधान क्या चलिए देखते हैं समस्या और समाधान तो समस्या पहला है वर्षा का अपर्याप्त एवं असमान वितरण ठीक है वर्षा जो होता है इसका अपर्याप्त और असमान वितरण तो कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की हमें खेती करना चाहिए देखिए समस्या है वर्षा का अपर्याप्त एवं असमान वितरण सोल्यूशन इसका है कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती करनी चाहिए कम अवधि की फसलों को उगाना चाहिए जीवन रक्षक सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए जीवन रक्षक सिंचाई जो होती है उसका प्रयोग करना चाहिए याद रखिएगा वर्षा जो होता है हम देखेंगे कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाएगा कहीं कहीं पर कम होगा और जब वर्षा की आवश्यकता होगी तब वर्षा नहीं होता जब नहीं होती तब वर्षा हो जाता है जैसे भी गेहूं कटेगा तो उस टाइम वर्षा होने लगता है उससे क्या होता है हमारी फसल जो तो, तो वर्षा का पर्याप्त तो तो समाधान क्या है तो कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती करनी चाहिए कम अवधि की फसल उगाना चाहिए जीवन रक्षक सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए अगला है लॉन्ग गैप इन रेनफॉल तो वर्षा में लंबा अंतराल जब वर्षा में लंबा अंतराल होता है तो यह भी एक समस्या उत्पन्न कर देती है इसका इससे हम लोग कैसे सकते हैं इसका नियंत्रण क्या है तो अधिक पौधे प्राप्त करने के लिए बीज दर में वृद्धि करना चाहिए यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए महत्वपूर्ण विकास के चरणों में जीवन रक्षक सिंचाई प्रदान करनी चाहिए निराई और अंतर सांस्कृतिक संसाधन का प्रयोग करना चाहिए अगला है लेट ऑन सेट ऑफ मानसून ठीक है मानसून का देर से आना तो कभी कभी मानसून जो होता है यह भी देर से आता है तो इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं तो वैकल्पिक फसल की बुआई करें सूखी बुआई करें बीज का उपचार करें पूरे खरपतवार प्रबंधन करें इस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं अगला देखते हैं अगला प्रॉब्लम है अर्ली ऑनसेट आप मानसून कभी कभी मानसून जो होता है जल्दी आता है ठीक है तो वहाँ पर हमें बाजरा तिल आदि की खेती करना चाहिए आगे देखते हैं बारिश का जल्दी बंद होना तो कभी कभी बारिश होता जल्दी से बंद हो जाता है तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए तो कम अवधि वाली किस्मों का चयन करना चाहिए मल्च का उपयोग करना चाहिए जीवन रक्षक सिंचाई का उपयोग करना चाहिए अगला लंबे समय तक सूखा रहना तो यदि बुआई के दस दिन बाद सूखा पड़े तो दोबारा बुआई करनी चाहिए यदि बुआई के तीस से पैंतीस दिन बाद हल्की नमी का दबाव हो तो ज्वार और बाजरा की वैकल्पिक पंक्तियों का बुआई करना चाहिए यदि बुआई के तीस से पैंतीस दिन बाद गंभीर नमी का तनाव हो तो ज्वार और बाजरा की कटाई करें और राशनिंग करें ठीक है तो उम्मीद करते हैं ये दस क्वेश्चन आपको अच्छे समय में आया होगा और वीडियो काफी लंबा भी हो गया आप लोग यदि पूरा वीडियो देख लेंगे तो पांच नंबर सॉरी पांच क्वेश्चन तो हंड्रेड इसमें से आप लोग को फंस जाएगा और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मैसेज करके आप लोग आपको पीडीएफ भी दे सकते हैं धन्यवाद जय हिंद